Hello, students. Today, we are going to look at how we are going to hear through our ears and few terms like amplitude, frequency, time period, and characteristics of sound. Okay. Last class, we covered the speed of sound topic cover the last video. Mein. Today, we are going to see some characteristics of sound, and before we look at it, we are going to know how our ear functions. Alright? So, let's start.

फनल लाइक स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं पिना एंड इट इज अटैच टू अबाउट टू टू थ्री सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज ये जो आपको पैसेज दिख रहा है टू टू थ्री सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज है जिसको हम बोलते हैं ईयर कैनल ठीक है इसको हम कहते हैं ईयर कैनल एट द एंड ऑफ द ईयर कैनल एक थिन इलास्टिक सर्कुलर मेमब्रेन नजर आ रहा है ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं ईयर ड्रम और ये टाइटली स्ट्रेच होता है ठीक है अब इससे अटैच यहां तक क्या है ये यह, ये यह, यहां तक का जो ईयर इयर तक का ये जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं आउटर ईयर बोलते हैं साउंड वेव्स कैसे एंटर करता है थ्रू पिना पिना एब्जॉर्ब साउंड वेव्स ठीक है अब ईयर ड्रम से अटैच है थ्री बोन्स थ्री स्मॉल एंड डेलिकेट बोन्स जिसको हम कहते हैं हैमर एनवेल एंड स्टिरप ठीक है है ये जो तीन कर रहा दिस इज वॉट वी कॉल मिडल रहा होगा एक एंड जो है का इम द अनदर एंड इज टचिंग द सेकेंड बोन कॉल है बोन का जो दूसरा एंड है दैट इज कनेक्टेड टू थर्ड बोन कॉल स्टिर और जो फ्री एंड है स्टिरप का

कनेक्टेड है मिडल ये तो स्टिरप मिडल पार्ट ये जो ओवल विंडो है ये तो मिडल पार्ट हो गया ईयर का उससे कनेक्टेड है तो इट इज फिल्ड विद लिक्विड ये जो यहाँ पे स्पॉट्स दिख रहे तो ये जो कुकलिया में लिक्विड प्रेजेंट होता है उसके अंदर नर्व सेल्स होते हैं ठीक है विच आर सेंसिटिव टू साउंड ये जो नर्व सेल्स है दे आर सेंसिटिव टू साउंड सो द अदर एंड ऑफ द कोकली कनेक्टेड टू दिस ऑडिटरी नर्व एक एंड कनेक्टेड है ये ओवल विंडो से और दूसरा कनेक्टेड है ऑडिटरी नर्व से विच गोज इन टू द ब्रेन ठीक है तो ये जो तीन ये जो बोन्स हैं इन द मिडल ऑफ द इयर एक्ट एज अ सिस्टम ऑफ लिवर की तरह एक्ट करता है और ये साउंड को एम्पलीफाई करता है जो ईयर ड्रम से आ रहा होता है बिफोर पासिंग दैम ऑन टू द इनर पार्ट ऑफ़ द ईयर कोकलिया से पास होने से पहले उसको क्या करता है एम्प्लीफाई करता है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये फंक्शन कैसे करता है पार्ट्स ऑलरेडी आप देख चुके हैं क्या क्या बेसिक पार्ट्स हैं तो इसमें क्या होता है जो साउंड वेव्स प्रोड्यूज होके अब हमारे पिना पर जो गिरता है आउटर पार्ट ऑफ द ईयर वहाँ से ईयर कैनल में जाता है ठीक है ईयर कैनल से गिरता है ईयर ड्रम पर जब ये ईयर ड्रम पे गिरता है यहां पे ईयर ड्रम क्या होता है वाइब्रेटिंग वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है बैक एंड फोर्थ तो ये वाइब्रेट होने के वजह से हैमर इससे अटैच्ड है हैमर इनटू वाइब्रेशन हैमर वाइब्रेट करने के वजह से सेकेंड बोर्ड यानी एनविल भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करती क्योंकि अटैच्ड है एनविल के साथ स्टिरप अटैच है तो स्टिरप भी वाइब्रेट करता है तो ये जो वाइब्रेटिंग स्टिरप है वो स्ट्राइक करता है इस ओवल विंडो पे ठीक है एंड पास ये जो एम्पलीफाइड वाइब्रेशन ये जो वाइब्रेशन uh, सेट किया है इन दोनों ना उसको वो पास करता है टू द लिक्विड इन कोकलिया तो ये जो लिक्विड है वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है ये वाइब्रेटिंग लिक्विड जो है कोकलिया का सेट्सअप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द नर्व सेल्स ये जो नर्व सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये कैरी uh, हो जाता है बाई ऑडिटरी नर्व टू द्रेन यानी ऑडिटरी नर्व कैरीज दिस टू द ब्रेन अब ब्रेन क्या करेगा इंटरप्रेट करेगा ये सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एज साउंड एंड फिर हमें सुनाई देता है जो आवाज प्रोड्यूस हुआ है हम कहते हैं ना कि वी शुड नॉट पुट पेंसिल पेन और एनीथिंग इन साइड अयर कुछ लोगों की आदत होती है तो इसकी वजह से क्या होता है ना ये जो इयर ड्रम टैर होने की प्रोबेबिलिटी uh, ज्यादा है और अगर इयर ड्रम फट जाता है एंड देन यू नो पर्सन इज कॉल्ड डेफ उसको सुनाई नहीं देता सबसे ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है हमारे बॉडी का दैट इज इजर्स इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए ठीक है अब देखते हैं कुछ uh, टर्म्स जैसे एम्पलीट्यूड हो 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 गया हो गया हो गया टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी बराबर इसको समझाने के लिए मैंने एक सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बनाया है यहाँ पे राइट एंड फर्स्ट डायग्राम है जहां पर पेंडुलम बताया एक थ्रेड होता है आप लोगों ने देखा ही होगा एक मेटल जिसको बॉब भी बोलते हैं दैट इज कनेक्टेड टू द थ्रेड अब अब उसको जब आप स्ट्रेच करते हो मान लेते हैं मैं ए पोजीशन से बॉब को मूव क्यू टू सी पोजीशन एंड देन आई एम लीविंग इट फ्रॉम सी तो इट विल कम बैक टू ए देन मूव टू बी अगेन एंड देन इट विल कम बैक टू ए पोजीशन बराबर तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल का या बॉडी का फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ठीक है जैसे अब यहां पे इस डायग्राम में आप दिख रहा होगा ए टू सी इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए टू ए सी एंड ए बी आर ऑलमोस्ट इक्वल ठीक है सो ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी बराबर तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का उसकी सेंट्रल पोजिशन से उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन या बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी या पार्टिकल फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या मीटर ही है मीटर ये ठीक है आप देख सकते हैं ना वेन वी कैन ये जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर मैं पेंडुलम को ज्यादा दूर खींचती हूँ बाय रेजिंग द हाइट रेजिंग द हाइट फ्रॉम विच द पेंडुलम बॉब इज इनिशियली रिलीज अगर वो मैं बढ़ा देती हूँ तो आपको ज्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा और मैं कम डिस्टेंस से उसको रिलीज करती हूँ तो मेरा डिसप्लेसमेंट uh, या जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा समझ में अब जब हम टाइम की बात करते हैं वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है पेंडुलम बॉब का उसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन ठीक है यानी ए से सी तक जाके सी से ए आना एंड देन ए टू बी जाके बी टू ए आना दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन ठीक है सो टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन उसको हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड आपने अभी मैंने डायग्राम से बताया कि जो टाइम टेकन है पेंडुलम का टू ट्रैवल फ्रॉम पोजीशन बी टू सी एंड बैक टू बी समझ में आया विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंड्यूलम और ये जो टाइम टेकन होता है बाई वन वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज वेरी शॉर्ट इसलिए उसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते तो हम क्या करते डिवाइड करते टोटल टाइम बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाता है ओके सो फॉर गिवन पेंडुलम द टाइम पीरियड इज सेम एवरी टाइम वो आपको याद रखना अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड पर सेकेंड उसको हम एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन होता है पेंडुलम का मतलब बी टू सी जाके वापस बी तक आ रहा है बराबर तो ऐसे एक सेकेंड में कितने बार जाके आता है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड इन वन सेकेंड ठीक है उसको हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं या नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन वन सेकेंड उसको हम क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है वो वो मेजर किया जाता है हर्ट्स में हर्ट्स में मेजर किया जाता है और इसका एच जो होता है दिस इज अ मिस्टेक एच जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है एच जेड ऐसा होता है ठीक है सो so अगर एक ऑब्जेक्ट टेन वाइब्रेशन पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी टेन हर्ट्स ओके अब ये जो टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में एक रिलेशन है वो है ये फ्रीक्वेंसी इज वन बाय टाइम पीरियड दिस इज द रिलेशन ठीक है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी इज वन बाय टाइम पीरियड एफ इज इक्वल टू वन बाय टी तो इसके बेस पे दो न्यूमेरिकल से देखो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विच इज वाइब्रेटिंग विद्रीक्वेंसी आपको यहां पे फ्रीक्वेंसी दिया है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा वन बाई एफ हो जाएगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला राइट सो दैट इज अब दूसरा क्वेश्चन देखो एक है मेक्स पेंड्यूलमेशन इन फाइव सेकेंड्स पाँच सेकंड में फिफ्टीन ऑसिलेशन तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो पूछा है तो मैंने फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताया नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड की बात की है ठीक है तो अगर पाँच सेकेंड में पंद्रह ऑसिलेशन है तो एक सेकेंड में कितना ऑसलेषन होगा फिफ्टीन बाई फाइव यानी तीन ऑसिलेशन तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया थ्री हर्ट्स हो गया आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ठीक है समझ गए सो टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम बिकम्स तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा वन बाय एफ ठीक है वन बाय थ्री अंडरस्टूड नाउ लेट सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मैं तीन कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने वाली लाउडनेस पिच एंड क्वालिटी ठीक है तो अगर दो म्यूजिकल साउंड है जब हम कहते हैं कि दोनों अलग हैं तो वो इस प्रॉपर्टीज के बेस पे ही कहते हैं हम लोग तो देख लेते हैं ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है पहला साउंड सॉरी लाउडनेस अब हमें ये तो पता है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स यह हमें पता है सो so, ज्यादा एनर्जी अगर हम सप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को बाय प्लकिंग या हीटिंग इट मोर स्ट्रांगली तो ऑब्जेक्ट क्या होगा वाइब्रेट करेगा विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड है ना जब हम प्लग करके ज्यादा प्लग करके छोड़ेंगे तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है बराबर तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है किसी साउंड का उतना ज़्यादा लाउडर होगा वो साउंड कहने का मतलब है जो लाउडनेस है साउंड का वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है अगर इसको स्ट्रिंग मान लो एक वेव फॉर्म में मैंने आपको साउंड दिखाया ठीक है एम्पलीट्यूड क्या होगा ये जो डिस्टेंस है ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो डिस्टेंस है, है ये एम्पलीट्यूड है ठीक है यहाँ पे क्या है वो डिस्टेंस कम है यह एम्पलीट्यूड कम है इसलिए जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो सॉफ्ट सॉफ्ट साउंड होगा अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ये दिख रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर ये है ठीक है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा ठीक है जैसे अगर एक स्ट्रिंग को अगर मैं अटैच कर रही हूं टू नेल्स पे और उसको धीरे से खींचू खींचू तो कम डिस्टेंस पे खींचू तो क्या होगा उसकी आवाज जो होगी वो सॉफ्ट होगी कम होगी लेकिन मैं ज्यादा हाइट से उसको खींचू तो क्या होगा ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा मतलब वो एम्पलीट्यूड क्या हो गया उसका बढ़ गया कहने का मतलब सिर्फ इतना ठीक है थीके? समझ गए तो जो है लाउडनेस का दैट इज स्मॉल लेटर लेटर डी एंड कैपिटल बी से रिप्रेजेंट ठीक है और एक और बात मैं बता देती हूँ कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब अगर एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का अगर वो डबल होता है तो लाउडनेस क्या हो जाएगा फोर टाइम्स हो जाएगा मतलब मान लेते हैं एम्पलीट्यूड टू है ठीक है तो लाउडनेस क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर होगा यानी फोर डेसिबल होगा समझ गए ठीक है सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस इन दिस यूनिट डेसिबल तो व्हेन आई से कि ह्यूमन कैन द सॉफ्टेस्ट साउंड जो ह्यूमन कैन हियर है कैन हियर इज जीरो जैसे हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं वो टेन डेसिबल आवाज क्रिएट करता है विस्पर करते हैं तो थर्टी डेसिबल होता है जब एक नॉइसी फैक्ट्री हो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा हो तो उस वो होगा अराउंड हंड्रेड डेसिबल का अगर नॉर्मल अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो दैट विल बी सिक्सटी डी बी ठीक है वैसे अगर साउंड मोर देन एटी डी बी हो एटी डेसिबल से ज्यादा हो तो वो फिजिकल पेन क्रिएट कर सकता है वो पेनफुल हो सकता है और अगर वन फोर्टी डीबी से अराउंड हो तो दैट साउंड विल हर्ट योर टू मच ठीक है अब देखते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम कहते हैं पिच पिच ऐसा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जो डिस्टिंग्विश करता है दूसरे साउंड्स को जिसकी लाउड लाउडनेस सेम हो अगर सेम एम्पलीट्यूड के दो आवाज है यानी वो लाउडनेस क्या हो गया उसका सेम हो गया तो फिर भी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जैसे एक मैंस वॉइस और वुमेंस वॉइस उनको देखे बिना हम बोल सकते हैं कि ये एक आदमी की आवाज़ है ये एक औरत की आवाज है ये हम डिफर कर सकते हैं राइट right? क्यों क्योंकि एक मैंस वॉइस जो होता है वो फ्लैट होता है उनकी जो पिच है वो लो होती है जबकि वुमेंस वॉइस कैसे होती है श्रिल होती है उनकी पिच बहुत हाई होती है ठीक है सो so, अभी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया राइट सो पिच ऑफ अ साउंड किस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कम है तो जो साउंड प्रोड्यूस किया है वो क्या होगा लो पिच होगा अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी क्या होगा ज्यादा होगा क्योंकि मैन की वॉइस जो होती है इट हैज़ लो फ्रीक्वेंसी तो इट हैज सो इट हैज़ लो पिच अ वुमेन्स वॉइस हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी सो इट हैज़ हायर पिच ठीक है अब देखो ये जो है फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बताया एक सेकेंड पे कितना ऑसोलेशन uh, वो कंप्लीट करते दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी तो मान लेते ये वन सेकेंड वाला है ठीक है तो एक सेकेंड में इतना ऑसिलेट कर रहा है वो मान लेता है और यहां पे ये डायग्राम देखो ये भी एक सेकेंड का है जहां पे एक सेकेंड में बहुत सारे ऑसिलेशन्स हो रहे तो ये क्या हो गया हाई फ्रीक्वेंसी हो गया यानी यहां पे पिच क्या है हाई है और ये क्या हो गया लो फ्रीक्वेंसी हो गया क्योंकि यहां पे पिच क्या है लो है फ्रीक्वेंसी क्या है लो है वहां पे ठीक है समझ गए तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जो होता है ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज होता है तो पिच जो है वो भी इंक्रीज होता है ये आपको याद रखना है ठीक है मैन और वुमन का आप समझ गए वुमन की जो वॉइस है उनकी हाई फ्रीक्वेंसी है हाई पिच है और मैन का क्या होता है लो पिच है अब जैसे बेबी की बात करते हैं जो वॉइस ऑफ स्मॉल बेबी हैज हायर फ्रीक्वेंसी देन द वॉइस ऑफ इवन वुमन क्योंकि जो पिच है बेबी बॉय uh, का बेबीज का

जो डिफ्रेंशिएट uh, करना जैसे अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बाई सितार और फ्लूट तो हम लोग वो विदाउट सीइंग इट वी रिकॉग्नाइज इट सितार एंड इट इज फ्लूट क्योंकि जो दोनों से जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी क्वालिटी क्या है दो अलग अलग चीज़ है है ना सो so क्वालिटी क्या होता है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो विच एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड प्रोड्यूज बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या डिफरेंट सिंगर्स हो इवन इफ हैव सेम लाउडनेस एंड पिच अगर उनकी लाउडनेस और पिच सेम हो फिर भी हम उसको जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो फैक्टर चूज करते हैं उसको हम कहते हैं क्वालिटी या टिम्बर अगर दो म्यूजिशियंस को ही ले लो आप लोग मोहम्मद राफी और सोनू निगम तो आप दोनों की आवाज आग बंद करके आप पता कर सकते हैं कौन 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 सा गाना गा रहा है अगर सेम सॉन्ग दे आर सिंगिंग विद द सेम पिच एंड फ्रीक्वेंसी स्टिल यू कैन डिफरेंशिएट राइट दैट्स वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी इसी को हम कहते हैं क्वालिटी ठीक है सो जो क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या होता है डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें से जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होता है वो अलग अलग प्रोड्यूस होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स शेप ठीक है सो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज टिम्बर और क्वालिटी अब जो एक और है दैट इज़ इंटेंसिटी इंटेंसिटी मतलब कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू अ यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रपोकेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड एक पर्टिकुलर मान लेते हैं, एक रूम की बात कर रहे हैं तो कितनी साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया पे वो उसको हम, उसको हम कहते हैं कि उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी वो हमारे कानों के रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करता ठीक है और इसका एसआई SI यूनिट जो है वो जूल्स पर सेकेंड है क्योंकि एनर्जी को हम एनर्जी का यूनिट क्या है जूल्स टाइम का सेकेंड एरिया क्या क्या है मीटर ठीक so, है सो जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एरिया का मीटर स्क्वायर है सो जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज द एस यूनिट ठीक है तो ये कुछ कैरेक्टर है साउंड का जो आपको पता होना चाहिए ठीक है सो नेक्स्ट क्लास विल सी अबाउट ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स नॉइज म्यूजिक और इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे